काला काला पानी लगता है यहाँ थोड़ा ना, बहुत सही है यार। Hey guys, good morning, welcome to another vlog। दोस्तों अभी मैं फिलहाल हूँ चेन्नई में, जैसा कि आपको मेरी पिछली वाली वीडियो से पता चल गया होगा। तो गाइज अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और आज मेरी लखनऊ की फ़्लाइट है, वापस से मैं लखनऊ जा रहा हूँ आज। फ्लाइट मेरी आज 11 बजे की है, 11:10 की। तो उससे पहले मेरे पास अभी करीब 5 घंटे हैं, तो 5 घंटे में मैं आज जाने वाला हूँ मरीना चेन्नई बीच, ठीक है। तो वो हम कवर करेंगे, और अगर हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रहा तो वहाँ पर ही एक टेम्पल है तो वो भी हम कवर करेंगे, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ एक होटल में यहाँ पे, तो यहाँ का मैं अब छोटा सा एक व्यू मैं आपको दिखाता हूँ मेरे रूम का। ये देखिए छोटा सा रूम है, ये एक टेबल है, चेयर है, एसी लगा हुआ है, और ये बेड है। बस एक ये छोटा सा मेरा रूम है। तो अभी मैं यहाँ से चेकआउट करूँगा, मैंने वैसे ओला बुक कर दिए, ओला से मैं वहाँ चला जाऊँगा बीच पे। अभी 6 बजे हैं तो शायद हो सकता है कि मुझे सनराइज़ का जो व्यू है वो अच्छा मिल जाए। तो अभी चलिए चलते हैं यहाँ से, जल्दी से चेकआउट करते हैं। तो गाइस फ़िलहाल होटल से चेकआउट कर लिया है और ओला वाले भाई भी आ गए हैं, ये खड़े हैं, बाइक से जाऊँगा एक्चुअली मैं। तो अभी चलते हैं, इनको OTP देते हैं। तो गाइस फ़िलहाल अभी बाइक पे बैठ गया हूँ, ओला बाइक पे, ये भाई हैं, हमें छोड़ के आएंगे उधर तक। तो यहाँ का जो मॉर्निंग का व्यू है वो भी आपको दिखाता हूँ, चेन्नई आपको घुमाता हूँ साथ में। तो गाइस फिलहाल पहुंच गया हूँ मरीना बीच, 2 मिनट लगे हैं, मेरे होटल से ज़्यादा दूर नहीं था। बाइक से उसने मेरे को 2 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे छोड़ दिया है। तो यहाँ का छोटा सा व्यू देखिए आप, और फिर उसके बाद मैं लेके चला हूँ आपको बीच के ऊपर। बीच के मेन एंट्रेंस पे आ गए हैं, यहाँ का व्यू है वो देखिए आप। ये कुछ ऐसा व्यू है अभी आपने देखा। तो अभी हम जा रहे हैं बिल्कुल एंड पे, आज थोड़े से बादल हैं तो सनराइज़ इतना अच्छा दिखेगा नहीं, तो फिर भी कोशिश करते हैं कुछ तो आपको दिखाना ही है। चेन्नई आए हैं तो चेन्नई घूमेंगे। वैसे ही ये मरीना बीच जो है वो बहुत फेमस है, जहाँ पे मतलब शाम के टाइम पे या कह लो कि दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती होगी, क्योंकि इतने सारे स्टॉल्स वगैरह हैं यहाँ पे, तो पब्लिक तो आती होगी ज़रूर। सही है, मैं सुबह सुबह आ गया हूँ, कोई भी नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं है इधर। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने सारे स्टॉल हैं, देखो ये तो कुछ भी नहीं है, और भी हैं, अभी चल रहे हैं उधर, यहाँ से निकलते हैं। मुंबई का एक बीच है जुहू बीच, मैं वहाँ पे भी गया हूँ दो बार मुंबई गया हूँ। तो वहाँ का जो जुहू बीच है और ये, इसको कंपेयर करेंगे तो ये मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि प्रॉपर वे में सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। यार चलने में दिक्कत हो रही है, ये रेत है ना पूरा, पैर इसमें धंस रहे हैं, देखो देखो।
जूतों में चला नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, मिट्टी ना भर जाए। हाँ तो मैं कह रहा था जुहू बीच थोड़ा सा ऐसा लगता है, मतलब ना वहाँ पे कुछ भी सही से प्रॉपर वे में नहीं, और गंदा भी बहुत है, मतलब गंदा इन द सेंस पोल्यूशन बहुत है, बीच में काला काला पानी है पूरा। अब यहाँ का देखते हैं यहाँ का कैसा बीच रहेगा, यहाँ का थोड़ा साफ़ हो तो सही है, नहाना तो नहीं है पर ऐसे ही साफ तो होना चाहिए ना बीच। देखो पूरा वहाँ तक इस तरीके, देखो स्टॉल्स लगे हैं पूरे, जू बीच पे भी हैं अब लगा दिए हैं। मैं गया था आज से शायद 2 महीने, 1-2 महीने पहले ही गया था, हाँ 2 महीने पहले गया था, तो वहाँ पे भी स्टॉल्स हैं, वो भी मतलब काफ़ी सारे स्टॉल्स भरे पड़े हैं उधर, पर वहाँ थोड़ा सा ना सही तरीके से नहीं लगा मुझे। काफ़ी लंबा है, काफ़ी लंबा बीच है वहाँ तक पूरा, देखो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं यार, थक गए उधर से वहाँ से आते हुए, दिखता है थोड़ा सा ही है पर है नहीं है, बहुत दूर है चल चल के। एक तो जूते धस रहे थे रेत में, ये देखिए यार कितना मस्त है, देखो भाई पानी की आवाज़ कितनी मस्त आ रही है। ये पूरा गीला है, देखो पूरा गीला है वहाँ तक, ऊपर तक, वहाँ तक रात को लगता है पानी आता होगा, देखो वहाँ से वहाँ रात के टाइम पे पानी यहाँ तक भी आ रहा है। क्या मेरे जूते गीले हो जाएंगे, मेरा मन तो है अंदर जाने का। गाइस मज़ा आ गया, सारी थकान दूर हो गई। यार ये साफ है, पता है मुंबई का जो बीच है वो बहुत गंदा है, उसका काला काला पानी लगता है, यहाँ का थोड़ा, यहाँ थोड़ा नहीं बहुत सही है यार, पूरा मतलब क्लियर बिल्कुल पानी है, सही और साफ सुथरा भी है। तो गाइस फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो अभी हम लोग जाएंगे टेंपल जिसका मेरे को नाम नहीं पता है, बस मैंने मैप में देखा था, तो वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा नाम अजीब सा है एक्चुअली ना, मेरे को बोलना नहीं आ रहा सही बताऊँ तो, ठीक है तो अभी यहाँ से वो करीब 1 या 1.5 किलोमीटर वो भी है, तो यहाँ से चलते हैं, आपको यहाँ का व्यू दिखा दिए समुद्र का, अभी आपको टेम्पल का व्यू दिखाएंगे, चलिए चलते हैं।